ये वीडियो है उन कैंडिडेट्स की इंटरव्यू पर और एक्सपीरियंस पर जो आज जिन्होंने 16 दिसंबर 2021 को सीबीटी बेस्ड फर्स्ट टेस्ट दिया है। तो ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि एक पेपर पोस्टपोन हो चुका है, जो पेपर उन्होंने दिया है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा कि कंटेंट कैसा रहा है। ये देखिए कि हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन लर्न नहीं करना होता जो इसमें आए हैं, ठीक। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी है आपके सामने रखने लगा। तो हमने ये देखना है कि ऐसे सिमिलर कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सिमिलर कंसेप्ट को मैं कैसे इजीली एक दिन, अगर आपका कल है, परसों है, दो दिन में पेपर है, आठ दिन में पेपर है, तो उसको कैसे इजीली अपने सामने रख सकता हूं। उसके लिए आगे जाके आपको जो टिप्स भी दूंगा, साथ में सुजेशन मिलेंगे आपको कि आपने पेपर के वक्त ये ध्यान रखने हैं, क्योंकि उन कैंडिडेट से जो गलतियां हुई हैं, ठीक, रिफ्लेक्शन उनकी है, फायदा आपको होगा। वो जो गलतियां उन्होंने की है, अगर ये वीडियो देख के आप उसको अप्लाई कर लेते हो तो वो गलतियां आपके लिए सुजेशन बन रही हैं। वो साथ साथ में डिस्कस करता रहूंगा। ये जरूरी नहीं है कि सुजेशन बिल्कुल सेपरेट बताऊं, वीडियो में साथ साथ कंटेंट भी होगा और साथ में ही सुजेशन आपके लिए जरूरी होंगे, ठीक। तो पेपर वन हुआ है, पेपर वन हम जानते हैं फिफ्थ लेवल के लिए है। इसका डिफिकल्टी लेवल ऑलरेडी रिलेटिवली ईजी होता है। कोहलबर्ग पर मैंने यही क्यों डिस्कस किए हैं, फर्स्ट थ्योरीज को उठाया है। कोहलबर्ग पर टोटल डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो आप 30 40 50 तक बता दूंगा कि कैसे थ्योरीज पर बेस्ड है, लेकिन इतना टाइम शायद आपके लिए नहीं होगा। अगर ये जानना चाहते हो कि कैसे इनडायरेक्टली इन थ्योरीज की हेल्प से आप सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिनिमम 50% से, सॉरी 50 जो क्वेश्चन है उससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फिर उसके लिए एक्स्ट्रा आपको कहना पड़ेगा, तो वैसी वीडियो मैं बना दूंगा। कोहलबर्ग का डायरेक्ट क्वेश्चन एक आया है, वगास्तकी के डायरेक्ट क्वेश्चन दो आए हैं, ठीक है, नॉर्मली वन क्वेश्चन आता है, और प्याजे के डायरेक्ट क्वेश्चन तीन आए हैं, ठीक। ये इट मीन्स प्याजे को ज्यादा कवर किया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मैंने प्याजे अब ज्यादा पढ़ना है, ये कम पढ़ना है, और कोहलबर्ग उससे कम पढ़ना है, ऐसे नहीं है। ये तीनों ही याद रखना है, ये तीनों ही मॉडर्न एजुकेशन के पिलर हैं, क्लासरूम के पिलर हैं। जो भी एडवांस क्लासरूम है, आज आगे जाके वो क्लासरूम दिखाता हूं आपको, तो उनकी जो नीम है इनकी थ्योरी पर है, ठीक। दैट इज वाई इन तीनों को तो छोड़ना ही छोड़ना नहीं है। हाँ, उनका सीन जरूर देख लेना है कि ये चाहते कैसा क्लासरूम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या है, कलर बदल देते हैं, कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम प्रॉब्लम पर क्वेश्चन बहुत आए हैं, ठीक। दो क्वेश्चन डायरेक्टली क्लासरूम से रिलेटेड थे, तीन इनडायरेक्टली बताए गए जो इंटरव्यू की गई, उसके अलावा भी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में से ही क्वेश्चन बताए गए। अब मेरे ख्याल में अगर आपके पास ये दिन है जहां ये वीडियो के बाद एक घंटा या 10 मिनट भी बचते हैं, तो वो वीडियो में आपको दिखाता हूं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होता क्या है। अगर आपको ये पता चल जाएगा ये क्लासरूम होता है, आपकी विजन रिटेन रखती है, उसके थोड़े से फीचर डिस्कस करता हूं, तो आपको कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है उस सीन को सामने रखिए और अपना आंसर दे दीजिए। यहां पर कैसे आए थे, यहां पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात करता हूं, यहां पर वापस आता हूं। ये देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैसा होता है, इस सीन को सामने रखिए। नंबर एक, ये देख सकते हो कि ये टीचर है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। अब इनकी सेटिंग कैसी है, क्या ये रिलेटिवली फ्री है हमारे क्लासरूम से? आप इसको हमारे क्लासरूम से कंपेयर कर सकते हो और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा, आगे देखिए, क्या ये ओके, तो ये क्या एक्टिव है, क्या इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं है, क्या लर्निंग को एंजॉय नहीं कर रहे, क्या ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, टीचर अब शोल्डर पर हाथ रख के गए हैं, क्या ज्यादा इनफॉर्मल नहीं है, अच्छा क्या ये सेल्फ मेकिंग नहीं कर रहे लर्निंग की, अच्छा क्या ये लर्निंग का मीनिंग खुद नहीं बना रहे,
वाइगोस्की भी यही कहते हैं, प्याजे भी यही कहते हैं और कंस्ट्रक्टिविज्म सारा ये कहता है। अच्छा टीचर का रोल कैसे है, टीचर ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व करने के बाद वो सीधा डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं करता कि तो ऐसे करना है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करके इंडिकेट करता है कि यहां गलती हो रही है, यहां आप अच्छा कर रहे हो, यहां डिस्कस करने की जरूरत है। तो उसके बाद लर्नर फिर खुद काम करता है और खुद नॉलेज बनाता है, मीनिंग बनाता है और जो एरर्स हैं। अच्छा फीडबैक कितनी अच्छी है, फीडबैक सिर्फ टीचर दे रहा है, हमारे क्लासरूम में सिर्फ टीचर दे रहा है, यहां पर एक बच्चा दूसरे बच्चे को फीडबैक देगा, फीडबैक क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्क दे आर डूइंग, ओके सम सॉल्व कर रहे हैं, ये कहेंगे नहीं ये थोड़ा मेरे ख्याल से गलत हो गया, ये कहेंगे कैलकुलेशन यहां से गलत होगी, ये सुजेशन दे सकते हैं, नहीं इसको ऐसे करके देखें। तो ये वाइगोस्की का क्लासरूम है, ये प्याजी का कम है, वाइगोस्की का ज्यादा है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म का डेफिनेटली है। दूसरी तरफ देखिए ये ग्रुप लगा हुआ है, अपनी तरफ एक्टिव है, उनकी लर्निंग आउटकम रिकॉर्ड हो रही है, उनका लर्निंग एक्सपीरियंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, ओके तो हमारे क्लासरूम से कंपेयर करके देखिए बच्चे खुश हैं या नहीं, इंजॉयबल टीचिंग है या नहीं, स्टूडेंट सेंटर टीचिंग है या नहीं, लर्नर सेंटर टीचिंग है या नहीं। सभी आपके टॉपिक एक ही इसमें से सभी, मैं सभी भी कह सकता हूं क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर कोई आंसर आपके सभी क्वेश्चन का तो नहीं लेकिन मैक्सिमम टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आंसर है यहां से मिलेगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कहा गया है कि 5 क्वेश्चन सीधे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम से है कि वहां टीचर का रोल क्या होगा, लर्नर का क्या रोल होगा, एनवायरमेंट कैसा होगा। तो ये एनवायरमेंट को आप याद करके डायरेक्टली आंसर दे सकते हो अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलती, वहां ऑप्शन कैसे देखिए कितने रिलैक्स हैं, कितना रिलैक्स एनवायरमेंट है और मोटिवेटेड। ये देखिए ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है और ये हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में ये टीचर है और ये बोर्ड है, अधिक से अधिक जो अच्छा टीचर है वो बोर्ड पर पढ़ाएगा और ये बच्चे बैठे हैं और इनके पास जो नॉलेज है ये नॉलेज है, ये यहां पर जहां पर लिख देंगे जहां पर ये बोल देंगे, यहां पर बोल के इन्होंने इनको कम्युनिकेट कर दिया, ये जो नॉलेज थी इनको बनी बनाई दे दी। लेकिन इस क्लासरूम में कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में ऐसा कुछ नहीं है, मोस्टली इसमें ग्रुप बनाए जाते हैं, ग्रुप्स में यहां बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बच्चे के ग्रुप आपस में डिस्कशन करते हैं, बात कर सकते हैं, वो बात करते हैं, सुजेशन देते हैं, फीडबैक देते हैं, इवेल्युएट करते हैं, टीचर आता है, टीचर आके उनको देखता है और कुछ सुजेस्ट कर देता है कि ये ऐसे किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है, वो सारा कुछ क्या है, इनफॉर्मल है, ज्यादा फॉर्मल नहीं है, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो टीचर एक वक्त लगातार खड़ा नहीं रहता, वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, यहां डिस्कस नहीं कर सकते, यहां एक बच्चे को दूसरे बच्चे को बोल के फीडबैक दे सकता है, यहां नहीं दे सकता, ओके यहां इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, यहां एक्सट्रिंसिक है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी इसी में, यही ऑप्शन आई हुई थी कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट होगा, रिवार्ड एंड पनिशमेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में नहीं होगा। तो ऐसी जो कंपैरिजन है आप आसानी से कर सकते हो, अगर आप ऐसे ब्रीफ में पढ़ना चाहते हो तो चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। नेक्स्ट आने वाले जैसा आप कमेंट बॉक्स में मेरे से डिमांड करोगे वो टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक आप बताइए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपके लिए जो कर सकता हूं वो करूंगा, ओके तो वापस चलते हैं। अच्छा यहां आ गए, ठीक, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम और ये सारे एक ही हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। अब ये नहीं है कि ये लर्न करना है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को नहीं देखना, हमने आइडिया देखना है, इस आइडिया को जैसे फर्स्ट पेपर में आया है तो ये उन्होंने बताया है कि ये डोमिनेट कर रहे थे, ये मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि ये डोमिनेट करेंगे और आने वालों में भी डोमिनेट करेंगे। आप न्यूजीलैंड जाओ, कनेडा जाओ, फिनलैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, ये डोमिनेट करेंगे ही करेंगे, दैट इज वाई इन पर क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी के लिए अगर आप टू वे कम्युनिकेशन से मेरे से कमेंट बॉक्स में जब क्वेश्चन पूछते हो, ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए कहते हो, कोई डिफिकल्ट टॉपिक कहते हो तो वो करवा सकता हूं। अच्छा नेक्स्ट क्या आया, मल्टीलिंगुअल पर दो तरह के क्वेश्चन आए, सेम एक मल्टीलिंगुअल सिचुएशन दी गई थी और एक डिसेबल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड की, ठीक है, उनकी ऑप्शन थी,
कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में क्या करोगे, ऑप्शन तीन उनको याद थी जो बताई उन्होंने, एक तो वर्बल कम्युनिकेशन ओनली, देखिए ये ओनली जब लिखते हैं ना, जब ओनली लिखते हैं, उन्होंने राइट आंसर ये लिखाया था, हमारे पास पूरा क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको सिर्फ क्लू दे रहा हूं बहुत कम समय में, ये ओनली जब भी होता है मोस्ट प्रोबेबली ये रॉन्ग आंसर हो जाता है, ऑलवेज रॉन्ग मोस्टली ऐसे वीडियो जो जिनकी जिन जो क्वेश्चंस की एमसीक्यू क्वेश्चन की वीकनेसेस होती है उसका बहुत एनालिसिस किया है, अगर आप कहोगे वो भी इसके बाद वीडियो डाल दूंगा आपके काम आ जाएगा, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन एक ऑप्शन थी, दूसरा टीम वर्क था, तीसरा सेग्रीगेशन विद मोर इम्पोर्टेंस टू दीज चिल्ड्रन, ठीक है। सेग्रीगेशन जो है सीधी सीधी इंक्लूसिव एजुकेशन के विरोध में जा रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन के विरोध में हमने नहीं जाना, ठीक है। एक्चुअली इंक्लूसिव एजुकेशन का आइडिया क्या है, जितनी ज्यादा डिग्री सिवियरिटी की है उतनी उनको एक्स्ट्रा हेल्प ज्यादा मिलेगी स्पेशलिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से या थेरेपिस्ट से, लेकिन उनको किसी ना किसी तरह नॉर्मल क्लासरूम में बिठाया ही जाएगा, तो ये आइडिया है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं डिस्कस करूंगा, हाँ इसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो ओनली जनरली वो गलत होता है, लेकिन उन्होंने ये लगाया है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ टीम वर्क वाला, मुझे नहीं पता कि पूरी ऑप्शन क्या थी, लेकिन आइडिया ऑफ टीम वर्क इज मच बेटर देन दीज टू ऑप्शन, ओके। ऐसे ही हियरिंग डिसेबिलिटी, जिनको बच्चों को सुनाई नहीं देता जब कम सुनाई देता है, दो कैटेगरी है ना, 2016 है उसके पावर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में, ठीक 21 टोटल आ चुकी हैं डिसेबिलिटी, उसमें से ये एक है, तो ये इसकी ऑप्शन उनको याद थी कि एक एनवायरमेंट ऐसे प्रोवाइड करना और नो स्पेशल इंपॉर्टेंस देना, देखिए नो स्पेशल ऐसी ऐसी ये वीक क्वेश्चन है, इसको तो पहले से डिलीट कर दी, जैसे एनवायरमेंट अच्छा कहा गया था, बाकी ऑप्शन हमें नहीं पता, यस एनवायरमेंट बेसिकली अच्छा, ये क्या था पीछे सीन में दिखा के हैं, अच्छा एनवायरमेंट है जब प्रोवाइड किया जाता है कि खुद खुद इंक्लूड हो जाता है, इंक्लूजन किस लेवल पर होनी चाहिए, यहां से फिजिकल नहीं, जब दिल से वो हम फील करेंगे ये मुझे अपना समझते हैं, देन इंक्लूसिव एजुकेशन का वो सॉल्व हो गया, ठीक। और क्या थी हाँ, हियरिंग इंपेयर्ड के कौन से मेजर जो है अडॉप्ट नहीं किए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करने वाला है कि नॉट शब्द छुपा रहता है, ये गलतियां हुई हैं, ये सुजेशन है कि नॉट को जैसे मैंने अंडरलाइन किया वहां आप फिंगर से स्क्रीन पर फिंगर से ऐसे कीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि नॉट जो है वो फोकस करना है। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा आया कि स्टेटमेंट बड़ी अच्छी दी गई है और वो पॉजिटिव चल रही है, लास्ट में एक्सेप्ट शब्द लिख दिया गया, एक्सेप्ट, अच्छा बच्चों ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने कैंडिडेट्स ने क्या किया, एक्सेप्ट ऊपर फोकस नहीं किया, मतलब क्वेश्चन जो था नेगेटिव हो जाता है, तो ये जो टर्म है ये स्टेम में क्लियरली आपने पढ़नी है, ये यूजीसी नेट में भी सुजेशन एक्सपीरियंस पर आए थे, इसमें भी आ रहे, इसको जनरलाइज किया जा सकता है कि जो नेगेटिव टर्म है उसको केयरफुली देखना है, एक्सेप्ट को केयरफुली देखना है, फिर देखना है कि मैंने चार ऑप्शन में से ढूंढना क्या है, फिर क्लैरिटी होगी, ये आपका साथ साथ में हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर आए हैं क्वेश्चन, टीचर रोल क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, ठीक, उसमें तीन ऑप्शन उनको याद थी, ये मैं डिस्कस करके आया हूँ, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ठीक, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट सबसे पहले ये होगी। अच्छा एक बोला उन्होंने कि स्टूडेंट इंटरेक्ट करे और सेल्फ से मीनिंग मेक करे, अब इसको सीन जो मैंने दिखाया है, अब ये रहा सीन, अब सीन को आप देख सकते हो, अब ये सीन देख लो कि क्या इसमें सेल्फ मीनिंग नहीं बना रहा और इंटरेक्टिव नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इंटरेक्टिव, उसको तो पकड़ लो जल्दी से पकड़ लो, तो ये है साफ दिखाई दे रहा है, तो नेचुरली ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इजीली, आप अगर इस वीडियो को अप्लाई करोगे, ऐसे नहीं कह रहा कि ऐसे पक्के पक्के, अगर यहां से इन सीन को देख के अप्लाई करोगे तो नेचुरली बेटर बेटर हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ओके। अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर कोई क्वेश्चन आया था, वो कॉग्निशन से रिलेटेड ऑप्शन थे, उनको नहीं याद थे, ये उनको डिफिकल्ट लगा था, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, मैंने जो नोट किया था वही आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा
ये बात हो चुकी है टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होना, ऐसी ऑप्शन आई है कि टीचर स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो ये टीचर कहीं भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, यहाँ बिल्कुल अनसोशल हो गया है, लेकिन इस पेपर में आप आइडल आइडियल बनना है, जहां कत्ल होने वाला है, जहां बच्चे की किसी की जान जाने वाली है, वहां स्ट्रिक्ट हुआ जा रियलिटी है, लेकिन आपको यहाँ सिचुएशन ऐसी रेयरली दी जाएगी। 99 पॉइंट आपको ये रिजेक्ट करना होगा कि स्ट्रिक्ट नहीं बनना। रिवार्ड एंड पनिशमेंट बिहेवियरिज्म का है, थॉर्नडाइक का है, पावलोव का है, पावलोव का भी वैसे नहीं है, थॉर्नडाइक का है, हल का है, और ये जो दूसरे हैं आपके स्किनर, SKINNER स्किनर, इनकी रिवार्ड एंड पनिशमेंट है, ये बिहेवियरिस्ट हैं, ठीक है। ये कितने आंसर आपको मिल गए, तो ये बिहेवियरिस्ट हैं, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट में नहीं अप्लाई हो सकते। सिंपल नुक्ता आएगा, अप्लाई कर सकते हो अगर आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब रहा के डिफिकल्टी लेवल, जो मेरे जिनसे मैंने बात की वो कई तो मेरे स्टूडेंट ही थे, तो डिफिकल्टी लेवल उनके लिए तो वो जैसे हाई, एवरेज और लो, उनके लिए एवरेज और लो के बीच रहा, मतलब इजी, उनके लिए इजी था क्वेश्चन और उन्होंने टाइम पर पूरा कर लिया था। दूसरी बात ये है उनके लिए इजी था, पर एक फैक्टर मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, ये पेपर वन है, पेपर वन का हमेशा ही इजी लेवल रहा है, ठीक। दूसरा ब्लूम टैक्सोनॉमी से अगर इसको कंपेयर करें, ब्लूम टैक्सोनॉमी से कंपेयर करें तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ये जो हम ये सोच रहे थे कि एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए, आए हैं, ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग लेवल तक के ज्यादा ये नहीं आए, अपर का सोचा जा रहा था, लेकिन पेपर वन में रिमेम्बरिंग के इफेक्ट के एनवायरमेंट में क्वेश्चन आए हैं, आगे चल के वो भी डिस्कस करता हूं। दूसरा जो एग्जाम्पलर पेश किया गया था हमारे सामने, उस पर लंबी लंबी स्टेम थी, वो एप्लीकेशन बेस्ड थी, शायद मेरे पास वो पड़ी होगी, ये रहा चाइल्ड डेवलपमेंट की, ये बड़ा कर लो थोड़ा, ये एग्जाम्पलर है जो CBSE ने दिया था कि CBSE ने दिया है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए कि इतनी लंबी लंबी स्टेम हो, ये स्टेम है, जब इतनी लंबी स्टेम होगी आपका रीडिंग टाइम बढ़ेगा और आपका टोटल टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो ऐसा ज्यादा नहीं हुआ, उन्होंने बताया कि स्टेम जो थी, जो ऑप्शन भी छोटी छोटी थी, छोटी ऑप्शन का मतलब आपके पास ज्यादा टाइम है, ये फैक्टर अभी तक शायद ना कंसिडर किया गया हो। देखिए ये सिचुएशन है, ये चार पांच लाइनें हैं, इनको पढ़ना समझना फिर अप्लाई करना, ये एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए, पर मैं ये नहीं कहूंगा यहां से डायरेक्शन ले लेंगे ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि CBT बेस्ड टेस्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे बनते हैं, दैट इज वाई प्रोबेबिलिटी है कि आगे आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएं, आपने तैयार रहना है। हाँ ये एक एनालिसिस का पार्ट था, ठीक। वापस चलते हैं, एग्जाम्पलर की बात होगी कि एग्जाम्पलर्स ने थोड़े ही डिफिकल्टी लेवल हाई बताया था, लेकिन उतने आए नहीं है। हाँ पेपर टू का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, वो हो सकता है कि आ जाए। हाँ ये कहा जा सकता है कि पिछले पेपरों से, CTET के पेपरों से इसका थोड़ा लेवल बढ़ा है, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा था कि ये लेवल बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। इस पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ओके, CBT बेस इसको साथ में ही करूं, चलो साथ में कर लेता हूं। CBT बेस एक्सपीरियंस की बात हुई है, देखिए घबराने की बात नहीं है, घबराना इसलिए नहीं है कि वहां हेल्पर इतने सफिशिएंट हैं आपके इर्द गिर्द रहेंगे, जो पहली बार पेपर देना चाहते हैं उनके लिए ये सुजेशन है कि आपकी हेल्प के लिए वो हर वक्त तैयार है, ठीक। तो ये जो उन्होंने सुजेशन दिया कि आप ये चीजें टेंशन दे देती है, जो आपके पेपर में गड़बड़ करती है, आपको टेंशन ज्यादा हो जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या है कि आप वो ID ओरिजिनल नहीं लेके गए थे, उनका थोड़ा टाइम खराब हुआ, तो ID आप ओरिजिनल लेके जाइए और उसकी फोटो स्टेट भी लेके जाइए, जिसमें ID वो हो आपके पास जिसमें डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और नेम हो, ठीक। एक लड़की से बात हुई तो उन्होंने उनको घर में से फिर से फोटो मंगवानी पड़ी, नेचुरली इस प्रक्रिया से बेशक भैया आप सेफ हो, लेकिन आपको टेंशन एक हो जाती है कि मैं लेट हो रही हूँ, ठीक है। हाँ रिपोर्टिंग टाइम, सच में उन्हें बार बार ये कहा कि एक घंटा पहले आपको अगर कहा गया है, इन्होंने 8:30 बजे का टाइम था इनका, तो ये 8:30 बजे आपको सच में पहुंच जाना चाहिए, उससे डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है।
टाइम 1 आवर बिफोर। अच्छा वाच आपको अंदर नहीं ले जाने देते, नहीं सच में नहीं जाने देंगे, मतलब नहीं का मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जब इसका ऑप्शन क्या दिया है, जब स्क्रीन आपके पास होगी जिस पर आपने पेपर देना है वहां पर रिवर्स टाइम चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे से क्लॉक शुरू हो जाएगा, वो नीचे की तरफ बढ़ेगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा, इतने आधा घंटा रह गया, 15 मिनट रह गए, वो चल रहा है कंटिन्यू। आपकी स्क्रीन ही आपकी वॉच टाइम है, आपकी स्क्रीन एग्जैक्ट आपको उतना टाइम देगी, 100% वो देगी, यहाँ कोई हेरा फेरी नहीं है। ऑफलाइन एग्जाम में तो ये होता है कि किसी ने 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, मेरा यूजीसी नेट का एग्जाम था वो 10 मिनट पहले पकड़ लिया गया था, ठीक। अच्छा आप स्क्रीन को टच कर सकते हो, जैसे मैंने कहा नॉट है एक्सेप्ट है, वो टच करके देखिए। ब्रेन में एक्सटर्नलाइजेशन एक प्रिंसिपल है कि हमारे ब्रेन में कैसे इंफॉर्मेशन जल्दी प्रोसेस होती है, पहुंचती है। अगर आप स्क्रीन को टच करके ऐसे करते हो कि ये नॉट लिखा है, रिपीट करते हो, तो आपके ब्रेन में रहती है कि मैंने हाँ नॉट पर फोकस करना है और मैंने ऑप्शन ऐसे ढूंढना है, तो आप की इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो साइंटिफिकली होती है और आप राइट आंसर तक बिना मेमोरी लोड के चलते हो। पता नहीं ये बात आपको समझ आई कि नहीं, टाइम कम है, अगली बार फिर समझाऊंगा, ठीक है। माउस का प्रयोग करना है, होता है, माउस इजीली कर सकते हो। एक मिसकंसेप्शन था कि माउस को ध्यान से या उसको टच नहीं करना कि लॉक ना हो जाए, ऐसे लॉक नहीं होता कोई। आपसे लॉक होने से पहले हर कंप्यूटर ये पूछता है कि आर यू श्योर कि आप लॉक करना चाहते हैं, आर यू श्योर कि आप डिलीट करना चाहते हैं, आर यू श्योर, आपका मोबाइल भी पूछता है। तो ये सिस्टम है, सेफ है, इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। कम से कम आपने जो भी ऑप्शन आती है उसको रीड जरूर करना है, नहीं पता चलता तो हेल्पर आपके पास है, वो हेल्प करेंगे, ठीक। जो ऑप्शन आती है, जो आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्वेश्चन कर दिया है, मान लीजिए मैंने रीड कर लिया और सी ऑप्शन क्लिक कर दिया तो वो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन का मतलब है ये आपका क्वेश्चन आपने कर दिया है और इवेल्युएट होगा। आपने ग्रीन का मतलब लेना है बस कि मेरा ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर रेड है तो वो आपने छोड़ दिया है क्वेश्चन, इसका मतलब है, ठीक है। तो ब्लैंक का मतलब है कि अभी आपने वो देखा ही नहीं है। ये कोई वीडियो आपने देख लिया होगा, ये एक्सपीरियंस बेस्ड में उनकी बात बता रहा हूं, इन्फॉर्मेशन अगर गड़बड़ होती है तो। लेकिन आपने अपने जो ऑलरेडी आपने नॉलेज ली है यूट्यूब चैनल से या टीचर से कहीं से, उससे मैच कर लीजिए। लेकिन सेफ है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैनेज करने की जरूरत है, ठीक है। पेन अंदर नहीं ले जाने देते, अगर ट्रांसपेरेंट पेन है तो आपको अंदर ले जाने देंगे, अंदर से पेन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। रफ शीट मिली, इनको कहते हैं, इन सेंटर वालों को, ये जलंधर का सेंटर था, 3-4 शीट मिली थी, उन पर उन्होंने सब कुछ आइडेंटिटी वगैरह लिखवा ली थी, लेकिन बाद में रिटर्न ले ली थी। जनरली सीबीटी बेस्ड टेस्ट में ऐसा ही होता है, ठीक। इसके अलावा और कोई, हाँ फिर वो आ रहा है, अच्छा एनवायरमेंट के कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था, ऑरेंज एल्युमिनियम किस स्टेट में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल और बिहार, उसमें ऑप्शन थे। इससे मैं कोई ज्यादा इंडिकेशन नहीं दे रहा हूँ, आप खुद ले सकते हो। एक आया था, फॉलोइंग में से यूनियन टेरिटरी कौन है, हम जानते हैं J&K अभी बना है, ऑप्शन बाकी थे मणिपुर और मेघालय, ये भी रहे हैं, ठीक। ये क्वेश्चन एनवायरमेंट के है। टाइम प्रॉब्लम आई, मेजर मेन सजेशन टाइम प्रॉब्लम, ये जिन्होंने मेरे से बात की उन्होंने के मैं इर्द गिर्द के बारे में भी पूछा कि उनको कोई प्रॉब्लम आई, कहते हैं हाँ बहुत से बच्चों के कम 5 क्वेश्चन जो अन अटेम्प्ट रह गए, ये नहीं कभी होना चाहिए, नेवर डू दिस, ठीक है। तो जो कैबिन होते हैं, ऐसे कैबिन बने होते हैं, कैबिन में कई बार तीन चार होते हैं, तो उन्होंने बताया मेरे कैबिन वाले के तीनों के ही रह गए। इट मीन्स अगर ऐसा अनुमान लगाए तो 50% से अधिक के 5-7 क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, कभी छोड़ के नहीं आना, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपका हर हालत में, ठीक। सुजेशन अब क्या है, एक मेजर सुजेशन बन रहा है कि ये जो नोन से अननोन जाइए, जो क्वेश्चन या यूनिट आपको सबसे अच्छा आता है, यूनिट मीन CDP है, इस ऑर्डर में आपको पेश होंगे, ये भी नोट कर लीजिए, पहले CDP का होगा, फिर मैथ्स का होगा, एनवायरमेंट का होगा, लैंग्वेज वन होगी, लैंग्वेज टू होगी, ठीक है, इस ऑर्डर में आएंगे। एक कैंडिडेट ने ऐसे किया था, कहते मेरे पहले मैं CDP में कॉन्फिडेंट थी, मेरी स्टूडेंट थी वो, और दूसरे में इंग्लिश में ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, इसलिए उन्होंने ये ऑप्ट किया। इट मीन यहां से वो ये कलर ले लेते हैं,
यहां से वो लैंग्वेज वन या टू में आ गए, ठीक है। उसके बाद में एनवायरमेंट को ऑप्ट किया उन्होंने, ठीक है, फिर वापस गए यहां पर, तो फिर पंजाबी, ये देखिए पंजाबी, और पंजाबी का उन्होंने कॉम्प्रीहेंशन छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि टाइम ज्यादा ले रहे थे, टाइम ज्यादा ले रहे थे, छोड़ दिया। उसके बाद मैथ अटेम्प्ट किया, मैथ अटेम्प्ट करने के बाद उन्होंने फिर जो छोड़े हुए थे कॉम्प्रीहेंशन वो किए। कॉम्प्रीहेंशन में एक बहुत अच्छा सुजेशन आया कि दो क्वेश्चन ऐसे थे जो वर्ड मीनिंग थे, उसके लिए पैरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो आपके लिए सुजेशन क्या है, अगर आपका लैंग्वेज वीक है या रीडिंग वीक चल रही है, जहां आपका टाइम कम बच गया है, तो आपका सुजेशन ये है कि कॉम्प्रीहेंशन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन कर लीजिए, और कॉम्प्रीहेंशन के सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को अगर कई बार सीधे आंसर ही जो मिलते हैं वो तो टिक कीजिए, बाकी को अगर टाइम एक आधा मिनट बचा है टिक सी 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 या बी 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 जो भी आपने टिक करना है वो कर दीजिए, ये आपके लिए सजेशन है, ठीक। द मेजर पोर्शन ऑफ दिस डिस्कशन है कि आप नोन टू अननोन, इजी टू डिफिकल्ट जाइए, ना के डिफिकल्ट टू इजी। अगर आपको लगता माइंड सेट अभी तक ये है कि मैंने सीधे सीधे ही चलना है, ये भी ऑप्शन है, ये भी चल सकते हैं, अभी आप माइंड को ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए, हाँ, लेकिन नोन टू अननोन बेटर रहता है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन आते हैं उनको अपने कलावे में वो ले लेना चाहिए कि मैं श्योर हो जाऊं, बाकी जो अननोन है उसकी स्ट्रेटजी आपने जो प्लान की है, जहां उसके लिए डिफरेंट वीडियो अगर रिक्वेस्ट करोगे तो बहुत अच्छी मैंने बना रखी है कि कैसे सिस्टम से पेपर दिया जा सकता है, यूजीसी नेट का जिन्होंने दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उनको फायदा हुआ है, ठीक। अच्छा, सॉल्व ये एक सुजेशन दिया है उन्होंने कैंडिडेट्स ने कि एक पेपर अपना सॉल्व करके जाओ, मिनिमम वन पेपर जरूर सॉल्व करके जाओ, उसी ऑर्डर में वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एक पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन किस यूनिट में से कैसे कितने आने हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हर हालत में प्रायर पहले से ही पढ़ के जाओ, इंस्ट्रक्शन हर हालत में पहले से वहां इंस्ट्रक्शन के लिए क्लियरली उनको टाइम नहीं मिला, उनका एक्सपीरियंस था, आपके साथ क्या होता आपके सेंटर में ये नहीं पता, ठीक है। एडमिट कार्ड का प्रिंट कॉपी लेके जाओ हर हालत में, सेल्फ डिक्लेरेशन जो कोविड के बारे में है ना वो घर से ही फिल करके जाओ, वहां आप टेंशन में आ सकते हो, इन्होंने वहां फिल कर लिया था कोई बात नहीं, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन अगर घर से फिल करके जा सकते हो तो घर से ही फिल करके जाओ। तो ये थी, अच्छा और भी है, ये हो चुका है, तो ये थी। नेक्स्ट अगर इंटरव्यू करता हूं, अगर आप सुजेस्ट करते हो कमेंट बॉक्स में कहते हो, अगर कोई कंटेंट पढ़ना चाहते हो, अभी भी पढ़ना चाहते हो, बड़ी जल्दी में क्या हिंट हो सकता है, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बेशक वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होगी, अगर आप कहोगे तो जरूर डालूंगा। थैंक यू।